News 18, India. और पाकिस्तान में जारी वोटों की गिनती के बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान ने बहुत बड़ा दावा किया है। गौहर खान का ये दावा है कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी पीटीआई को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान तय करेंगे कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने चुनाव में बहुमत मिलने का भी बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पूरे नतीजे सामने नहीं आ पाए हैं। यहाँ किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है। इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार 100 सीटों के साथ सबसे आगे बताए जा रहे हैं। नवाज की पार्टी 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इस बीच जेल में बंद इमरान खान की पीटीआई और बिलावल भुट्टो की पीपीपी ने कई सीटों पर धांधली के भी आरोप लगा दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए। एक सीट पर चुनाव टाल दिए गए हैं, जबकि एक सीट NA88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया है। यहां 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी। बाकी 70 सीटें रिजर्व हैं। सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP शामिल है, लेकिन तीनों ही पार्टियों को बहुमत नहीं मिला है। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कुल सीटें कितनी हैं, बहुमत का आंकड़ा क्या है, ये एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए 265 कुल सीट है, बहुमत का जो आंकड़ा है 134 का है। अब यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीट है, IND यहाँ पर 100 सीटों पर, PMLN 73 सीटों पर, इसके अलावा PPP 54 सीटों पर और जो बाकी पार्टियां हैं वो 20 सीटों पर। मुख्य जो मुकाबला है वो 3 पार्टियों के बीच में है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा कोई भी पार्टी छूती हुई यहां नजर नहीं आ रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है, पाकिस्तान में आम चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिलने के बाद वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर का बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश को अराजकता और विभाजन की राजनीति से आगे बढ़ाने के लिए एक स्थिर सरकार की जरूरत है। एक ऐसी सरकार जो पाकिस्तान की विविधता और बहुलवाद के साथ साथ लोकतांत्रिक ताकतों का प्रतिनिधित्व कर सके। देश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान एक टेंट में भयंकर आग लगने से दहशत मच गई। वहां सुबह के वक्त जब आग लगी तो बड़ी संख्या में लोग उस